नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। एक बार फिर प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। ताजमहल के पीछे मेहताब बाग के अति सुरक्षित क्षेत्र में 1 जुलाई को राष्ट्रीय बजरंग दल के पूर्व महानगर अध्यक्ष नितेश कुशवाहा ने अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन की पार्टी में कार की बोनट पर 21 केक रखकर तलवार से काटे गए थे। प्राइम टीवी की प्रमुखता से खबर चलाई गई, जिसके बाद आगरा पुलिस ने हिंदूवादी नेता नितेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हरदोई में प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही के चलते एक स्कूल की छत भरभराकर ढह गई। स्कूल के जर्जर भवन की सूचना पहले ही प्रस्ताव के माध्यम से 3 बार स्कूल के जिम्मेदार अधिकारियों को बीएसए कार्यालय में भिजवाई गई थी। बावजूद इसके जिम्मेदारी अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। हरदोई में पहली बार बारिश के बाद आज सुबह जब स्कूल खुला तो स्कूल की छत भरभरा कर नीचे आके गिर गई। गनीमत है कि उस वक्त स्कूल में कोई बच्चे नहीं थे, जिससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। अलीगढ़ के कृषि प्रौद्योगिक संस्थान द्वारा किसानों को पाठ पढ़ाया गया और किसानों को उद्यमी बनाने के लिए अपनाई जाने वाली योजनाओं से अवगत कराया गया। कृषि गोष्ठी का आयोजन एडीओ कृषि योगेश शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। इसमें सरकार की जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एफटीओ के बारे में जो कॉन्ट्रैक्ट से लोगों को रोजगार देना, मैन्युफैक्चरिंग और जो भी अदर जितने भी किसान लोग हैं जैसे प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसके बारे में बताया गया है डॉक्टर साहब के द्वारा। और कहा गया है कि जो भी लोग जैसे मान लो एक समूह एफटीओ बनाने के लिए हमें कम से कम 300 व्यक्तियों की ज़रूरत है और एक मेंबर बनने के लिए 500 रुपये का उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और पूरा सब लोग मिल के एक बड़े योजना का कोई क्रियान्वयन करने के लिए हमें बताया। देखो योजना का अगर लाभ मिलने की स्थिति में होगा तो 500 क्या 1000 रुपये भी देगा और अगर लोग योजना अगर सक्रिय न लगी तो 500 क्या 5 रुपये भी नहीं देगा। कोई बात नहीं है, बात इस बात की है कि लाभ या कि नुकसान। अगर लाभ की स्थिति में होंगे तो 500 क्या 1000 भी देंगे, अगर जब दिख रहा है कि लाभ नहीं होगा तो 5 रुपये भी नहीं देंगे। बस यही है। अब ये बाकी तो लाभ और नुकसान तो ये अलग विषय है क्योंकि वो हमारा यहाँ इससे अभिप्राय नहीं रखता है कि हमारा नुकसान है या भाव में कम मिल रहा है, ये तो हमारा दूसरा विषय है। लेकिन हम तो यहाँ पे कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान भारत सरकार की और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को जिससे किसानों के प्रशिक्षित किया जा सके, उनके उत्पाद को अच्छी कीमत पर बिकवाया जा सके, उनके उत्पाद का अच्छा प्रसंस्करण करके जो देश की बहुत सारी आउटलेट्स हैं उनके पास तक कैसे पहुंचाया जाए और किसानों की आय को दोगुना कैसे किया जा सके, इस सब पे चर्चा करने के लिए इस गोष्ठी का आयोजन किया गया था। 1500 सदस्य हैं आज जिनको हमें बनाना है, अभी तक हमने वो काउंट नहीं किया कितने बन गए, जिससे हम जो नबार्ड की योजनाएं हैं जो भारत सरकार की योजना अभी किसानों की तो राय ली गई है, कुछ बहुत सारे किसान इसमें सहयोग कर रहे हैं और ये खड़ा कर देंगे अगले 15 दिनों में। एक स्फूर्ति योजना है जिसका हम कार्यान्वयन। खबर गाजीपुर से है, जहां प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार अपने दौरे पर मेडिकल कॉलेज निरीक्षण के लिए पहुंचे। प्रमुख सचिव ने गाजीपुर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ब्लड सेपरेशन यूनिट और डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ किया। प्रमुख सचिव ने ICU और बर्न यूनिट का भी शुभारंभ किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी ली। यहाँ पे काफ़ी नए सेवाएं जैसे ये ब्लड बैंक में ब्लड सेपरेशन ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट आज चालू किया, डायलिसिस की सुविधाएं नहीं थी डायलिसिस का एक 6 बेड का वार्ड चालू किया, बर्न यूनिट चालू किया, उसके बाद एक 10 बेडेड ICU भी बनाया है सो दैट इमरजेंसी और ट्रॉमा केसेस को हम लोग हैंडल कर सकें, स्टेबलाइज कर सकें। तो कुल मिला जुला के काफ़ी चेंजेस आए हैं मेडिकल कॉलेज बनने के बाद और हम लोग लगातार कोशिश कर। मुरादाबाद में नगर निगम की टीम ने टाउन हॉल इलाके में सरकारी नाले पर अतिक्रमण कर बनाई गई 23 दुकानों के नीचे नाले की सफाई की।
वहीं लोगों का आरोप है कि शहर के अधिकतम नालों पर नगर निगम के कर्मचारियों की मिली भगत से अतिक्रमण कर दुकानें बनाई गई हैं। इन दुकानों के कारण नालों की सफाई सही से नहीं हो पा रही है और बारिश का पानी सही से पास नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर जलभराव हो रहा है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देवरिया जिला विद्यालय निरीक्षण के विदाई समारोह में एक तरफ जहां देवेंद्र गुप्ता का स्थानांतरण मऊ जनपद में हुआ, तो वहीं विनोद कुमार राय ने जिला विद्यालय निरीक्षण के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर जनपद के विभिन्न कॉलेजों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। आपको बता दें कि जिला विद्यालय निरीक्षण विनोद कुमार राय दूसरी बार जिला विद्यालय निरीक्षण के रूप में देवरिया आए हैं और एक बार बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में भी रह चुके हैं। कोशिश ये होगी कि सरकार की जो नीतियाँ हैं उसके अनुरूप जनपद को और विकास के ऊंचाई पर ले जाया जाए और सभी शिक्षकों छात्रों और अभिभावकों से जितना कुछ कर पड़ेगा कोशिश होगी अच्छा से अच्छा बेहतर करने के लिए। कुशीनगर में थाना कस्या के लवारिस माल निस्तारण अभियान के तहत कार्रवाई की गई। एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारियों ने अपने अपने माल खानों में रखे वाहनों की नीलामी की। थाना कस्या पर सालों से खड़ी पुरानी कुल 20 वाहनों की नीलामी की गई और इसके जरिए 1,18,600 रुपये की आय प्राप्ति हुई है। मुरादाबाद के काशीपुर तेरा के पास अज्ञात युवकों ने दिन दहाड़े कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस गोलीकांड के बाद अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बाइक सवार कारोबारी दानिश अंसारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि रामपुर के गंज थाना इलाके व घायल कारोबारी का रहने वाला है। आज थाना कटघर क्षेत्र में 0 पॉइंट से काशीपुर चौराहे की तरफ जो रोड जा रहा है उस पर ये दानिश नाम के व्यक्ति ये रामपुर से आ रहे थे बाइक से, पीछे से बाइक से कुछ लड़के आए, उन्होंने इनको रोका और इन पर एक फायर किया। ये इंजर्ड हुए, इनको तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया। इनकी हालत ठीक है, इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये रामपुर से आ रहे थे और ये रामपुर से ही ये बाइक पे लड़के इनके पीछे लगे थे, लगातार पीछा करते हुए इनके यहाँ तक आए थे और इस घटना में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही। शाहजहाँपुर के थाना कलान क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। आग में जल जाने के चार महिलाओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। निवासी ओमवीर सिंह यादव ने बताया कि उनकी भतीजी की शादी की तैयारियां चल रही थी। खाना बनाने के लिए जैसे ही आग जलाई गई अचानक गैस सिलेंडर में आग पकड़ ली। घटना में कई लोग झुलस गए। वहीं सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गाँव पहुँचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजियाबाद में रेलवे ओवरब्रिज पर काम के चलते शहर में जाम लग रहा है। जहां पर ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आ रहा है, वहीं डायवर्जन की वजह से सेक्टर 63 नोएडा पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है। दरअसल चिपियाना ओवरब्रिज पर लोहे की तरफ से उत्तर प्रदेश का सबसे भारी और आधुनिक तकनीक से युक्त ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ट्रैफिक विभाग की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। वाराणसी में 16 ऊंट रामनगर पुलिस के लिए आफत बन गए हैं। दरअसल रामनगर पुलिस ने बीते दिनों तस्कर कर बंगाल से लाए जा रहे 16 ऊंटों को पकड़ लिया था, लेकिन अब इन ऊंटों की देखभाल के लिए कई सारे सिपाही लगे हुए हैं और जब तक इन ऊंटों को रहने खाने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक इन्हें सिपाहियों की देखभाल करनी पड़ेगी। खबर गाजियाबाद से, जहां मोदी नगर में नवविवाहिता का शव पंखे से लटका मिला है। वहीं नवविवाहिता की मौके के बाद परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हत्या के बाद पंखे पर उसके शव को टांग दिया गया। परिजनों ने यह भी कहा कि दहेज के चलते उसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया है। मृतका के परिजनों ने आरोप भी लगाया और तहरीर दी कि न्यायालय से इसकी मांग की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। यहाँ पे जो मेरी बड़ी सिस्टर है उनको इन्होंने फांसी लगा दिया गया और इन्होंने खुदों ने फोन नहीं करके बताया कि ये बात हो गई। पड़ोसियों ने बताया कि आपकी सिस्टर को यह काम हो गया, उसके बाद में हमें पता लगा फांसी लगा कर मार दिया इसको
और रात फ़ोन किया था, रात हमारी बात हुई थी लेकिन पूरी बात नहीं हो पाई थी, दो मिनट बात हुई थी कि बोले थे डॉक्टर के जाऊंगे दवाई लेने के लिए। और उसके बाद में इन्होंने पहले दहेज की मांग की थी, क्या मांग रहे थे, ये गाड़ी मांग रहे थे, बुलेट मांग रहे थे, फिर कह लगे फोर व्हीलर चाहिए हमें, हमने कैश दिया था इनको। कितना कैश दिया था? 2.5 लाख रुपये दिया था सर। मेरे जवाई है, मैं लड़की है। आपकी सगी लड़की है? हाँ जी, सगी लड़की है। अच्छा, तो आप दो बात हुई मैं लड़की की। अच्छा, और बुलेट मांगी मेहमान ने और 6 लाख रुपया मांगा था। अच्छा। और इतनी दो ही बात करता नहीं, लड़की में रेपट मारा, फोन छीन लिया। अच्छा। फिर उसके बाद मेरी कोई बात नहीं, फोन नहीं उठाया जी। तो फिर आपको कैसे सूचित हुआ कि मतलब? सूचना ऐसी मिली जी, हम बाहर खेत में मुंजी लगा रहे थे जी, खेत में हम पे फोन गया, हमसे किसी पड़ोसी ने फोन करा आपकी लड़की ऐस पार हो चुकी। सुल्तानपुर के लंबुआ में मां बेटी के डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है और घटना में शामिल दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीते 5 दिन पहले मां बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। अपनी इन्वेस्टिगेशन और रखी थी और आज उन 3 अपराधी जो इसमें सम्मिलित थे पकड़ लिए गए थे। तीनों अपराधी का नाम है इरफान, उसका सगा भाई सादान उर्फ नादान और इनका एक दोस्त शाबाज ही लंबुआ का रहने वाला है। इरफान और सदन या उनके उर्फ जो बोलते हैं नादान, ये दोनों अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। इन तीनों को पुलिस पकड़ ली थी। जितनी प्राथमिक पूछताछ में पता चली है, इरफान का व्यक्तिगत रंजिश तथा कुछ व्यक्तिगत संबंध थे जिसके वजह से इसने तय किया था। इस खबर पे हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तानपुर से आशुतोष। आशुतोष, क्या मामला है पूरा ये? बिल्कुल बता दे, ये बीते कुछ दिन पहले की घटना है माँ बेटी की हत्या को लेकर, जो पुलिस के द्वारा जो है कल बीती रात को जो है मुठभेड़ हुआ है। और इसमें मुठभेड़ के दौरान जो है 3 लोग की जो है गिरफ्तारी बताई जा रही है, जिसमें से 1 लोग के पैर में गोली लगने से गंभीर घायल हुए हैं। ये हत्या जो डबल मर्डर हुआ है, इसका कुछ खुलासा हो पाया है कि क्यों किया गया, ये सगे भाइयों ने हत्या क्यों की? जी खुलासा बिल्कुल हुआ है, मुठभेड़ को लेकर खुलासा हुआ है। हालांकि अगर बताते चले कि ये आज की डेट को लेकर ही खुलासा इनको करना था और कल की डेट में ही मुठभेड़ हुआ है बीती रात को, कहीं ना कहीं जो है बड़ी घटना को भी अंजाम दिया जाता है। वही पुलिस के द्वारा जो है दबिश दबाव बनाने के बाद जो है तीनों मुस्लिम समुदाय को जो है गिरफ्तार कर लिए है। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो